ये लीजिए सर, मेरा बच्चा दीजिए। चलता हूँ सर, थैंक्स। गोली मत मारिए सर। तुम लोग जाओगे तो जरूर, लेकिन घर नहीं, शमशान घाट। गुड मॉर्निंग सर। ओ अर्जुन, हम तुम्हें एक घंटे से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं,
एक जगह में एक बच्ची का खून हुआ है और एक बच्ची का किडनैप हुआ है और तुम हाथ ही नहीं आते, कहां गए थे? जस्ट अ मिनट सर। मिस्टर जॉनसन आइए। नमस्कार सर। अर्जुन, बच्ची? यस सर, यही बच्ची किडनैप हुई थी सर। सुबह बच्ची किडनैप हुई है ये पता चलते ही मैं मिस्टर जॉनसन से जाकर मिला, लेकिन तब किडनैपर्स ने इन्हें कहां आना है ये नहीं बताया था। सर, अगर यह खबर पब्लिक में लीक हो जाती, चैनल्स और पेपर्स में आ जाती, तो किडनैपर्स बच्ची को मार देते या किसी भी तरह की हानि पहुंचा सकते थे, ये सोचकर किसी को भी इत्तला किए बगैर मैंने इस ऑपरेशन को सीक्रेट रखा। बाद में किडनैपर ने ब्लैकमेल करने के लिए जिस फोन बूथ से फोन किया उसे फाइंड आउट करके वहां जाकर मैंने इंक्वायरी की। फिर वापस आते वक्त 31वें माइल के पास एक सस्पिशियस कार खड़ी दिखाई दी और फिर 32वें माइल से जॉनसन की कार घूमकर वापस 31वें माइल की तरफ आगे बढ़ी। तब मेरा शक यकीन में बदल गया। वहां से किडनैपर्स को पता चले बिना उन्हें फॉलो किया और सब पकड़े गए। वेरी गुड अर्जुन, आई मिस्टेकन यू। मिस्टर जॉनसन, अब आप जा सकते हैं। थैंक यू सर, चलता हूँ सर। जी बाय बेटा। अंकल को बाय करो। अर्जुन प्लीज। अर्जुन, आज सुबह महालक्ष्मी नगर के रोड के पास एक बच्ची की लाश मिली। उस किडनैपर ने उस बच्ची के माँ बाप को किसी भी तरह की डिमांड के लिए फोन भी नहीं किया और अर्जुन, बच्ची पर किसी भी तरह का अत्याचार भी नहीं हुआ है। हाँ, बट वन थिंग, उस बच्ची के गर्दन पर एक छोटा सा छेद है और बाजू पर एक ताबीज बंधा है। इसके अलावा और कोई सुराग नहीं मिल रहा है हमें। सारी डिटेल्स इस फाइल में है, तुम स्टडी करो। ओके सर, मैं स्टडी करके आपसे मिलता हूँ। ओके। नमस्ते बड़े भैया। नमस्ते नमस्ते। नया काम कैसा है भैया? बहुत अच्छा है, ट्रेनिंग खत्म हो गई इसलिए एक हफ्ता गांव में बिता कर जाऊं, यही सोचकर छुट्टी लेकर चला है। ओह, आपकी बहन को तो हमेशा आपकी ही चिंता लगी रहती। अब करेले का सीजन चल रहा है ना, इसलिए जब भी वो करेला बनाती हैं आपको ही याद करती रहती हैं। जाओ भैया, जाओ जाओ। चलता हूं। अच्छा भैया, दीदी दीदी, सौम्या भी नजर नहीं आ रही है। दीदी अनिल, दीदी आ गया तू? अनिल हमेशा खुश रहो। अरे ये सब क्या है दीदी, आज मैं 6 महीने बाद घर आया हूँ और तुम हो कि रोए जा रही हो। ऐसी बात नहीं है, माँ के देहांत के बाद मैंने तुम्हें एक पल अपने से दूर नहीं रखा और ऐसे में 6 महीने। इसीलिए मैं कह रहा था पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं यहीं पर रहूंगा, पर तुम ही कहने लगी शहर में किसी अच्छे काम पर लग जाना। दीदी अब तो मैं आ गया हूँ ना। तो क्या, मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया खेतों में काम करने के लिए क्या? थक गए होंगे, जाओ नहा लो, मैं लक्ष्मी बहन के घर होकर आती हूँ। ठीक है दीदी। Bye.
गांव ब्यूटीफुल प्लेस है। तुम्हारा गांव घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है। इसीलिए तो गांव की जिंदगी को खुशहाल जिंदगी कहते हैं। तो मैं तुम्हारे गांव के किसी अच्छे से लड़के से शादी कर लूंगी। ऐसा ही करो, मैं ही एक अच्छा लड़का ढूंढकर बात करवा दूंगी। अच्छा ये बताओ, किसी अनिल के नाम से मंदिर में पूजा करवाई ना, वो कौन है? अच्छा तो वो मेरे भाभी का भाई है। हम दोनों यहाँ साथ में एक ही स्कूल में पढ़े हैं। वो मुझे बहुत पसंद करता है। वो शहर में काम के सिलसिले में ट्रेनिंग के लिए गया था। उसने मुझे कल फोन करके कहा था वो 10 बजे पहुँचेगा। ओ इसलिए ना तुम्हारी माँ पकवान बना रही है। चंद्रिका, मैं अपनी सहेली लक्ष्मी के घर जाकर आती हूँ, तुम घर चली जाना। ठीक है। मैं पार्वती जी का भाई अनिल हूँ। सौम्या कहाँ है? सौम्या वो अपनी सहेली के घर गई है। दीदी कहाँ है? दीदी लक्ष्मी बहन के घर गई है। अनिल, अरे सौम्या तुम कब आए? मुझे आए काफी देर हो चुकी है। अच्छा ये सब कैसे गिरा? चंद्रिका हुँ? मेरी भाभी का भाई अनिल कहाँ था ना, यही है वो। हाय। हेलो। सारे कपड़े गंदे कर लिए। रहने दो, चलो चलते हैं। गुरुजी, इस मुर्दे को यहाँ लाने में मेरी आधी जान निकल गई। क्षमा करो। ओम प्रचंडाय नमः। प्रचंड आवाहयामि ओम प्रचंडाय नमः। ओम प्रचंडाय नमः। ओम प्रचंडावाहयामि। ओम प्रचंडावाहयामि। ओम प्रचंडावाहयामि। ओम प्रचंडावाहयामि। ओम प्रचंडावाहयामि। ॐ क्रीं श्रीं ॐ क्रीं श्रीं फट्।
अब मैं चक्राधिपति बन जाऊंगा। मेरा चक्राधिपति बनने का समय आ चुका है। बात करो, बात करो। बात कर रहा है, बात कर रहा है। बात करो, बात करो, बात करो। बोलो, बोलो। और कुछ बोलो, और कुछ बोलो, बोलो बोलो। खून, खून दूंगा, खून दूंगा। कुछ और बताओ, कुछ और बताओ। हाँ हाँ, जल्दी बताओ। खून, खून। मैं तुझे खून दूंगा। ओ डंडा, मंत्र डंडा, मंत्र डंडा। ओ महापिता प्रचंडा, ये सब क्या है? तुमने मुझे याद किया मेरे बच्चे। आज पूजा पूरी होने के बाद मुर्दों को जिंदा करने की शक्ति दूंगा कहा था, लेकिन मुर्दा जिंदा तो हुआ था ना? हाँ हुआ था, लेकिन फिर मर गया ना? जानता हूँ, उस मुर्दे में होने वाली मेरी अंतरात्मा खून चाहिए कह रही थी, तुम इसे समझे नहीं। मतलब मंत्र शक्ति प्राप्त करने के समय तुम्हें रक्त अभिषेक करना चाहिए था, एक जीवित कन्या को मुझे आहार के तौर पर अर्पित करना चाहिए था। एक जीवित कन्या का आहार, तभी तुम वाम चक्रवर्ती की पदवी प्राप्त करते। आने वाली अमावस्या के दिन एक गड्ढा खोदकर एक कन्या को उस गड्ढे में गाड़कर उसकी जिंदा समाधि बना दो। उसके बाद मैं उस समाधि में प्रवेश करके उसे आहार के तौर पर ग्रहण करूंगा, और उस समय में मुर्दों को जीवित करने की शक्ति तुम्हें प्राप्त हो जाएगी, और इस प्रकार तुम एक वाम चक्रवर्ती बन जाओगे। लेकिन इस कार्य के समय किसी भी तरह की रुकावट नहीं आनी चाहिए, और जब तक मैं आहार ग्रहण नहीं करता किसी और मानव की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए। अगली अमावस्या के दिन कन्या की बलि देने से मैं बनूंगा वाम चक्रवर्ती, इस विश्व का चक्राधिपति, इस विश्व का चक्राधिपति। गुरुजी, 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 बची हुई गांजे की पत्तियों को लेकर मस्त रगड़कर राम रस तैयार करके रखूं क्या? राम, अपने शास्त्री जी के घर जाकर अपनी सारी सामग्रियां तैयार करने के लिए कहो। हाँ ठीक है गुरुजी, बोल कर आता हूँ। हाल कैसा है जनाब का? ओहो आओ भाई बैठो। अरे यार, तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए 10 एकड़ जमीन छोड़कर गए हैं, आराम से खेती बाड़ी करने के बजाय ये तंत्र मंत्र इन चीजों के पीछे पड़ने की क्या जरूरत है? तुम मेरे बारे में क्या जानते हो? तुम मेरे घर चलो, मेरा चमत्कार देखकर तुम दंग रह जाओगे। क्या इस कंप्यूटर के जमाने में तुम चमत्कार करोगे? जाकर अपने दिमाग का इलाज कराओ। मेरी शक्ति तुम्हें मजाक लगती है ना? ठीक है, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। ओम प्रचंडा, ओम क्लीम क्रीम श्रीम, ओम प्रचंडा, जय प्रचंडा, जय प्रचंडा। तुम यहाँ कब आए? उसे आप कुछ कर रहे थे ना, मैं खड़ा उसे देख रहा था। ओहो, उसे मैं क्या कर रहा था ये देख रहे थे? तो नीचे देखो मैंने क्या किया है। गुरुजी, गुरुजी, आप पासा भी भूल कर जा रहे हैं ना? गुरुजी, मैं ऐसी हालत में गांव में कैसे आऊं गुरुजी? यहाँ देखिए। जय प्रचंडा। गुरुजी, इसके साथ केले का पत्ता भी दीजिए।
अच्छा रहने दीजिए, ऐसे ही काम चला लूंगा। जिम्बाले जिम जिम्बाले जिम्बाले जिम जिम्बाले जिम्बाले जिम जिम। दीदी। ओ आओ, इतनी देर कहाँ थे तुम? मैं अपने दोस्त के घर गया था। वैसे दीदी, जीजू कहाँ है? नजर नहीं आ रहे। तुम्हारे जीजू खाना खाकर बगीचे में गए हैं। दीदी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। ए सौम्या। जी भाभी। अनिल आया है, जल्दी से उसके लिए खाना ले आ। अनिल आया है? अभी आई। जल्दी दो ना। ये क्या, ये भी कोई खाने का वक्त है? तुम भी ना। डालो डालो, थोड़ा और डालो। बस बस बहुत हो गया। सौम्या। कौन है? मैं लक्ष्मी हूँ, जरा इधर आना। अनिल तुम खाना खाते रहो, मैं लक्ष्मी से बात करके अभी आती हूँ। ठीक है। अरे कैसी पागल लड़की है, पानी लेकर नहीं आई। ओ चंद्रिका, जरा अनिल के लिए पानी लेकर आओ ना। ये लड़की तो दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही है, बात ही नहीं सुनती। दीदी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। दीदी क्या बात है बता। वो मैंने शादी करने का फैसला कर लिया है दीदी। सुनकर बड़ी खुशी हुई। मैं खुद ये बात तुमसे कैसे कहूँ सोचकर परेशान हो रही थी, क्योंकि तुम शादी की बात करते ही मुझ पर आग बबूला हो जाते थे। मैं तो आज से ही लड़की ढूंढना शुरू कर दूंगी। इसकी जरूरत नहीं है दीदी, मैंने वो लड़की पसंद कर ली है। तुमने बहुत अच्छा काम किया, मेरे सर पर जो बोझ था वो हल्का हो गया। वैसे लड़की कौन है? वही, अपने सीताराम जी की बेटी चंद्रिका। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ दीदी। मैं तो इतनी अच्छी लड़की ढूंढ ही नहीं पाती। कल ही सीताराम जी को बुलवा कर तुम्हारी और चंद्रिका की शादी तय कर दूंगी। ठीक है दीदी। गुरुजी, गुरुजी, सिद्धार्थ जी आए हैं। ओम प्रचंडा। टीका। बाबा, पहले भी आपकी ही दया से 3 वर्ष पहले मंडल पंचायती का इलेक्शन जीतकर मैं अध्यक्ष बना। अब 6 महीने बाद आने वाले एमएलए इलेक्शन में सीट मिल जाए और मैं एमएलए बन जाऊं, ऐसा आशीर्वाद दो बाबा। सब इस प्रचंडा की महिमा है। ओम प्रचंडा। ये क्या है बाबा, एमएलए बनने का आशीर्वाद दो कहा तो आपने रद्दी का पेपर मेरे हाथ में थमा दिया। ओ भाई साहब, रद्दी पेपर और नए पेपर का फर्क नहीं समझते क्या? 6 महीने बाद आपके इलेक्शन का जो रिजल्ट आएगा ना, उस दिन का पेपर है ये। पढ़िए ना। हाँ? अरे वाह, श्री सिद्धार्थ जी भारी बहुमत से इलेक्शन जीत गए हैं। वाह 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 वाह। बाबा आपकी शक्ति इतनी अद्भुत है, मुझे पता ही नहीं था बाबा। आप पता चला ना। हाँ? आशीर्वाद लीजिए। इधर भी। हाँ, भूल गया था। जय प्रचंडा। लीजिए, जाइए जाइए जाइए। ओम प्रचंडाय नमः। गुरुजी।
यहाँ क्यों आई हो? भैया सुना है तुम तंत्र मंत्र से लोगों की इच्छाएं पूरी करते हो। किसने कहा तुम्हें? गांव के सभी लोग कहते हैं। तो क्या है वो? मेरी भाभी का भाई अनिल जो है ना, मुझे उससे शादी करने की बहुत इच्छा है, लेकिन वो उस चंद्रिका से प्यार करता है। आप अपनी शक्ति से उस चंद्रिका को दूर करके मुझे उसके करीब कर दो भैया। आने वाली अमावस्या के दिन एक गड्ढा खोदकर एक कन्या को उस गड्ढे में गाड़कर उसकी जिंदा समाधि बना दो। उसके बाद मैं उस समाधि में प्रवेश करके उसे आहार के तौर पर ग्रहण करूंगा और उस समय में मुर्दों को जीवित करने की शक्ति तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। क्या तुम अनिल को पसंद करती हो? हाँ भैया। इसके लिए पुरुष वशीकरण यंत्र सिद्ध हो ऐसा कुछ करना होगा, और ऐसा करने से तुम्हारा अनिल तुम्हारे अलावा किसी और लड़की को आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। जय प्रचंडा। ओम प्रचंडा। परसों अमावस्या है और उस दिन रात को तुम्हें यहाँ फिर से आना होगा। रात को? वो भी अकेले? मुझे डर लगता है भैया। तुम्हें अनिल से शादी करनी है या नहीं बोलो। करनी है भैया। जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। ठीक है भैया। ओम प्रचंडा। चलती हूँ भैया। गुरुजी। बोलो राम। क्या है कि यहाँ जो लोग भी आते हैं ना, आप उनकी इच्छाएं पूरी करते रहते हैं। आप अपने चेले की इच्छा पूरी नहीं करेंगे क्या? क्या चाहिए तुम्हें? मुझे ना बहुत दिनों से तिरुपति का प्रसाद खाने का मन कर रहा है। तिरुपति का ही चाहिए क्या? हाँ गुरुजी, तिरुपति का ही चाहिए। ओम प्रचंडा। अरे गुरुजी। इसके लिए पुरुष वशीकरण यंत्र सिद्ध हो ऐसा कुछ करना होगा, और ऐसा करने से तुम्हारा अनिल तुम्हारे अलावा किसी और लड़की को आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। कहाँ चली गई? इतनी देर क्यों लगा दी? मुझे
डर लग रहा है। तुम्हें अनिल से शादी करनी है या नहीं? हाँ करूंगी। तो बैठो। आकर्षणाय स्वाहा। फट प्रचंड ओम प्रचंडा वाहयामि। सर जल्दी आइए सर। ए, ए, रुक जाओ, रुको तुम। सौम्या, छोड़ दो उसे। क्या कर रहे हो? सौम्या, छोड़ो उसे। छोड़ो उसे। ये क्या कर रहे हो? तुमने एक मासूम लड़की की जान ले ली। दरिंदे हो तुम। ए, उसकी बलि चढ़ा करके उसे जिंदा करने वाला था, इतने में तुमने मेरी तपस्या भंग कर दी। दुष्ट, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। मैं बदला लेकर रहूंगा। चंद्रिका सौम्या
तासगांव तालुक के भोसे ग्राम के वसंत शिरोटे नाम के व्यक्ति ने बलि पूजा की आड़ में सौम्या नाम की लड़की की जिंदा समाधि बना दी। यह अदालत इसे हत्या करार देकर अपराधी वसंत को उम्र कैद की सजा सुनाती है। वसंत शिरोटे के शांत और सरल स्वभाव को मद्देनजर रखते हुए उन्हें सुनाई गई उम्र कैद की सजा में से अदालत 4 साल की सजा को माफ कर उन्हें रिहा कर रही है। अदालत को यह उम्मीद है कि एक अच्छे नागरिक बनेंगे। नमस्कार सर। नमस्ते। हाँ हाँ गुरुजी हैं क्या? है ना, अंदर चले जाइए। हमारे गुरुजी से मिलने बड़े बड़े लोग आते हैं। हाँ। वो बड़ा आदमी हमारे गुरुजी की दया से ही हुआ है। ऐसा क्या? हाँ। अगर कल को मैं भी मंत्री बन गया ना। हाँ ओ बड़े भैया। नमस्ते गुरुजी। मान गया, राजनीतिक लोग सत्ता में आते ही पिछली सारी बातें भूल जाते हैं, लेकिन तुम बहुत वफादार हो। मेरी जेल की सजा में से 4 साल की सजा कम करवा दी। ओम प्रचंडाय नमः। ये लो, तुम जब भी अपने घर से बाहर निकलोगे इसे अपने साथ लेकर जाना। गुरुजी, आपके आशीर्वाद से मैं MLA बना, मंत्री भी बना। आने वाले इलेक्शन में जीतकर मुख्यमंत्री बनने का आशीर्वाद भी दे दीजिए। इच्छा ओम प्रचंडाय नमः। आने वाली अमावस्या को कभी भी आ जाना। जी गुरुजी। सुनो राम। जी गुरुजी। अब से पूरा 1 घंटा मैं एकांत चाहता हूं। जय प्रचंडा। ओम प्रचंडाय नमः। ओम प्रचंडाय नमः। ओम प्रचंडाय नमः। प्रचंडा, तुम भी मेरा साथ क्यों नहीं दे रही हो? मैं तुम्हें अपनी शक्तियां दूं ऐसी स्थिति में तुम नहीं हो, और इतना ही नहीं तुम अपने आदेशों को सिद्ध करने की शक्ति भी खो चुके हो। पर क्यों? क्योंकि जब मैं समाधि में आहार ग्रहण कर रहा था तब मेरा वो कार्य समाप्त होने से पहले अतिरिक्त तुमने 10 वर्षों से मंत्रों का जाप करके मेरी पूजा भी नहीं की। इसलिए यदि तुम्हें अपनी शक्तियाँ फिर से प्राप्त करनी हो तो तुम्हें और 3 अमावस्या की रात 3 कन्याओं की बलि देनी होगी। वो कन्या मूल नक्षत्र में पैदा हुई इकलौती बेटी होनी चाहिए, और वो एक नाबालिग कन्या ही होनी चाहिए। इस समय में हवन तुम्हें प्रेतात्माओं का प्रतिरूप कपालों से करवाना होगा। तब तुम मंत्र शक्तियों द्वारा वाम चक्रवर्ती की पदवी पाकर इस पूरे विश्व के चक्राधिपति बन जाओगे। सुनो मेरे चेलो। जी गुरुजी। इसी वक्त शमशान घाट में जाकर कपाल लेकर आओ। कपाल? कपाल क्या है, नहीं जानता? चल मैं दिखाता हूँ। जानता हूँ तो चल ना। प्रचंडाय नमः।
प्रचंडाय स्वाहा। ओम 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 प्रचंडाकर्षणीय स्वाहा। ओम प्रचंडाकर्षणीय स्वाहा। ओम प्रचंडावाहयामि। ओम प्रचंडाकर्षणीय स्वाहा। ओम प्रचंडाय नमः। ओम प्रचंडाय नमः। स्वीकार कर लिया महापिता। बालक, तुम्हारी सेवा से मैं प्रसन्न हुआ। अगले अमावस्या के दिन और एक कन्या का रक्ताभिषेक करने से मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि से भविष्य जानने की शक्ति प्रदान करूंगा। और दो अमावस्या, और दो अमावस्या के बाद मुझे वाम चक्रवर्ती की पदवी प्राप्त होगी। पूरे विश्व का मैं चक्राधिपति बन जाऊंगा। माधव, इन सबको पीछे करो। चलो जाओ, जल्दी जल्दी पीछे जाओ। माधव सर, ये कौन है? सर, मैं इस लड़की का पिता हूँ। सर देखिए भाई साहब, जरा इधर हटेंगे, हमें इन्वेस्टिगेशन करनी है। हाँ ठीक है सर, पीछे जाइए। आइए सर, यहाँ आइए प्लीज। श्रीकांत, फोटो खींचो। हमारी लाख कोशिशों के बाद भी गुनाह बढ़ते जा रहे हैं, मगर कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और आज एक बच्ची का खून हुआ है और 3 साल की बच्ची किडनैप हुई है, और किडनैपर 2 करोड़ रुपए की डिमांड कर रहे हैं। और ऐसे समय में अर्जुन कहाँ चला गया? सर मैं भी 1 घंटे से उन्हें कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन सर। लेकिन क्या? पहले जाकर अर्जुन को ढूंढिए और उसे मेरे चैम्बर में भेजिए। ओके सर। हेलो। यस सर। किडनैपर के बारे में कोई सुराग मिला क्या? तलाशी जा रही है सर। हाँ हाँ ठीक है, इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट भिजवाइए। भिजवाता हूँ सर। हाँ मिस्टर यशवंत। सर अर्जुन आया क्या? एसीपी साहब नहीं आए सर। नहीं आया? आते ही मेरे चैम्बर में भेजना। ओके सर। हेलो जॉनसन। हाँ बोलिए सर। 31वें माइल की तरफ आओ। वहाँ हूँ क्या सर? हाँ ठीक है सर। कैश तैयार है ना? हाँ सर बिल्कुल कैश तैयार है। हाँ आता हूँ सर, आता हूँ सर। ड्राइवर गाड़ी घुमाओ। अर्जुन आया कि नहीं? वो नहीं आया सर। नहीं आया? ओह, जल्दी से उन्हें ट्रेस करके मेरे पास भेजिए। ओके सर। बोले हुए 1 घंटा हो गया, क्या कर रहे हैं आप लोग? सॉरी सर। हाँ क्विक। ओके सर।
ये लीजिए सर, मेरा बच्चा दीजिए। चलता हूँ सर, थैंक्स। गोली मत मारिए सर। तुम लोग जाओगे तो जरूर, लेकिन घर नहीं, शमशान घाट। गुड मॉर्निंग सर। ओ अर्जुन, हम तुम्हें एक घंटे से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं,
एक जगह में एक बच्ची का खून हुआ है और एक बच्ची का किडनैप हुआ है और तुम हाथ ही नहीं आते, कहाँ गए थे? जस्ट अ मिनट सर, मिस्टर जॉनसन आइए। नमस्कार सर। अर्जुन, बच्ची? यस सर, यही बच्ची किडनैप हुई थी सर। सुबह बच्ची किडनैप हुई है ये पता चलते ही मैं मिस्टर जॉनसन से जाकर मिला, लेकिन तब किडनैपर्स ने इन्हें कहां आना है ये नहीं बताया था। सर, अगर यह खबर पब्लिक में लीक हो जाती, चैनल्स और पेपर्स में आ जाती, तो किडनैपर्स बच्ची को मार देते या किसी भी तरह की हानि पहुंचा सकते थे, ये सोचकर किसी को भी इत्तला किए बगैर मैंने इस ऑपरेशन को सीक्रेट रखा। बाद में किडनैपर ने ब्लैकमेल करने के लिए जिस फोन बूथ से फोन किया उसे फाइंड आउट करके वहां जाकर मैंने इंक्वायरी की। फिर वापस आते वक्त 31वें माइल के पास एक सस्पिशियस कार खड़ी दिखाई दी और फिर 32वें माइल से जॉनसन की कार घूमकर वापस 31वें माइल की तरफ आगे बढ़ी। तब मेरा शक यकीन में बदल गया। वहां से किडनैपर्स को पता चले बिना उन्हें फॉलो किया और सब पकड़े गए। वेरी गुड अर्जुन, आई मिस्टेकन यू। मिस्टर जॉनसन, अब आप जा सकते हैं। थैंक यू सर, चलता हूँ सर। जी बाय बेटा, अंकल को बाय करो। अर्जुन प्लीज। अर्जुन, आज सुबह महालक्ष्मी नगर के रोड के पास एक बच्ची की लाश मिली। उस किडनैपर ने उस बच्ची के माँ बाप को किसी भी तरह की डिमांड के लिए फोन भी नहीं किया और अर्जुन, बच्ची पर किसी भी तरह का अत्याचार भी नहीं हुआ है। हाँ, बट वन थिंग, उस बच्ची के गर्दन पर एक छोटा सा छेद है और बाजू पर एक तावीज बंधा है। इसके अलावा और कोई सुराग नहीं मिल रहा है हमें। सारी डिटेल्स इस फाइल में है, तुम स्टडी करो। ओके सर, मैं स्टडी करके आपसे मिलता हूँ। ओके। नमस्ते सर। नमस्ते सर, अंदर आइए सर। बैठिए सर। आपकी बेटी के खून के बारे में कुछ जानकारी चाहिए थी। पूछिए सर। आपके बच्चे कितने हैं? एक ही बेटी थी सर। उसने स्कूल जाते वक्त कौन से कपड़े पहने थे? सर, स्कूल जाते वक्त तो यूनिफॉर्म पहनकर गई थी सर, लेकिन मरने के बाद देखा तो उसके शरीर पर पीला कपड़ा था। आपकी बच्ची लापता कब हुई थी? कल सुबह स्कूल तो गई थी और उसके अगले सुबह उसकी लाश मिली थी सर। क्या आपने पुलिस में कंप्लेंट की थी? जी मैंने किया था सर। रात 9 बजे तक इंतजार करने के बाद मैं अपने रिश्तेदारों के घर भी गया था सर, फिर मैंने कंप्लेंट भी की सर। ओके ओके, अगर मुझे दोबारा आपकी जरूरत पड़ी तो फिर आऊंगा। आपको अगर किसी पर शक हो या फिर किसी तरह का क्लू वगैरह मिले तो हमें खबर कर दीजिए। हाँ ठीक है सर, थैंक यू सर। Thank you.
सविता तुम लोग 10 मिनट यहीं रुको। हाँ। मैं बैंक में जाकर अपना काम निपटा कर आता हूँ। अपना ख्याल रखना। सुनो बेटा, शिखा। हे, सुनो बेटा, कहाँ जा रही हो? वहाँ पंडित अंकल के पास चॉकलेट्स हैं, मुझे वो चाहिए। चॉकलेट? रुको अभी आया। ए भाई, यहाँ चॉकलेट वगैरह कुछ रखा है क्या? साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? पासे और किताबों के अलावा मैं भला चॉकलेट क्यों रखूंगा? ठीक है, तुम्हारा ऐसा भेस देखकर छोटे बच्चे बहक जाते हैं। यहाँ से जाओ, उठाओ ये सब। हाँ ठीक है साहब, चलो जल्दी उठाओ। हाँ सविता। हा? क्या हुआ? क्या हुआ ये मैं भी नहीं जानती। ये बच्ची आपकी है क्या? बिल्कुल सर, बच्चों को रास्ते पर ऐसे छोड़ते हैं। सॉरी सर। इट्स ऑल राइट, टेक केयर, बाय बेटा। बाय अंकल। थैंक यू सर। तुम भी ना बेटी, कम से कम तुम्हें तो ध्यान देना चाहिए था। है माता रानी आपके द्वार, करती है वो सबका उपकार, होते हैं सबके सपने पल भर में साकार। आई है माता रानी लेकर एक समाचार, सुन लो माँ भवानी की पुकार। जाओ यहाँ से, बेकार में परेशान मत कर। पैसों के लिए हम शास्त्र नहीं बोलते, भगवान के भक्तों के घर भगवान के कहने से ही आते हैं। आपके बच्ची पर इस उम्र में एक महासंकट आने वाला है।
बाबा अंदर आइए, अंदर आइए। ओम रीम क्लीम जगत। आइए बाबा, आइए बैठिए। इन्हें अंदर क्यों ले आए? जय माँ भवानी जी। बाबा कह रहे कि हमारी बेटी पर कुछ संकट आने वाला है। क्या बाबा, संकट आने वाला है? जय भवानी। माँ जानती है, सब जानती है, इस बच्ची के जन्म के बाद बाप पर कई तरह के संकट आए, किंतु इसके मामा को बहुत लाभ हुआ है। अरे हाँ बाबा, बात तो सही है। माँ जानती है, सब जानती है, परंतु इस बच्ची के जन्म के 2 वर्ष बाद आपको भी बहुत लाभ हुआ है। हाँ बिल्कुल, माँ जानती है, सब जानती है, आपकी बच्ची पर लोगों की बुरी दृष्टि पड़ चुकी है। इसकी बुद्धि अलंकार लोगों की आंखों में चुभता है, क्योंकि इस बच्ची का जन्म मूल नक्षत्र के 4th चरण में हुआ है। माँ जानती है, सब जानती है, कल अमावस्या सुबह 8 बजे से आरंभ होगी। कल शनिवार है, इसलिए 9 बजे से लेकर 10 बजे तक राहु काल होगा। ऐसे दोष निवारण के लिए यही उचित समय है। जय मां भवानी। कल राहु काल के समय में इस ताबीज को शक्ति देवता के सामने रखकर पूजा करके बाद में बच्ची के बाएं बाजू पर बांधने से इसके भाग्य के दोष का निवारण हो जाएगा। जय मां भवानी। ये लीजिए बाबा। इसके कितने पैसे हुए बताइए ना। हम धन पिशाच नहीं हैं, सर्व संघ परित्यागी हैं। अब चलता हूँ। आपका धन्यवाद बाबा। माँ भवानी सब कुछ ठीक कर देगी। जय माँ भवानी। कष्ट दूर होंगे, अच्छे दिन लौटेंगे। डैडी मेरे फ्रेंड ने एक डीवीडी प्लेयर लिया है, वो बहुत अच्छा है डैडी, मुझे भी दिलाओ ना डैडी। जरूर दिखाऊंगा बेटी। और मुझे और एक कैमरा वाला मोबाइल भी चाहिए। देखो तुम बड़ी हो जाओगी तब मोबाइल दिला दूंगा। क्यों? दिला देंगे बेटी। कैमरा वाला मोबाइल चाहिए डैडी। हाय अंकल। हेलो। नमस्ते सर। हेलो बेटा, हाउ आर यू? फाइन थैंक यू। अच्छा शॉपिंग वॉपिंग हो रही है। अंकल नेक्स्ट वीक मेरा बर्थडे है और आपको मेरे घर आना ही पड़ेगा। जरूर आऊंगा बेटा। वैसे अंकल हमारा घर कहाँ है आपको मालूम है क्या? मैं पुलिस वाला हूँ ना, मुझे सबका एड्रेस पता है। अच्छा मजाक करते हैं अंकल। डैडी आप अपना विजिटिंग कार्ड दे दीजिए अंकल को, आपको समझ में नहीं आता है क्या? हाँ, दे रहा हूँ बेटी। मतलब अब तो मुझे हर हाल में आना होगा। थैंक यू, मैं जरूर आऊंगा। थैंक यू सर। बाय बेटा। बाय। बहुत शरारती है अपनी बेटी। हाँ हाँ नहीं नहीं मैं तो अरे I'm sorry। कैसे आदमी है, देखकर नहीं चल सकते क्या? उठो बेटी, उठो उठो। क्या हुआ मम्मी? क्या हुआ बेटा, फिर से एक्सीडेंट हुआ क्या? लोगों से टकराने की तुम्हारी आदत है क्या? चोट तो नहीं लगी ना? नहीं अंकल। ओके टेक केयर बेटा। थैंक यू सर। ओके बाय। तुम भी ना बेटी, जरा संभल कर चला करो। लोगों से टकराने की तुम्हारी आदत है क्या? ओह नो। Come on. Hmm.
कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा है? Nonsense. कौन है चैन से सोने भी नहीं देते? छे, कौन है? कौन है भाई? मिस्टर व्यंकटेश? हाँ? सर आप यहाँ और वो भी इस वक्त? वो छोड़िए, इस तरह आप घर का दरवाजा खोल के क्यों सो रहे हैं? और हाँ, आपकी बेटी घर में तो है? हाँ, हमारे साथ सो रही है सर। क्यों, क्या बात है? बेटी, बेटी, बे, अरे ए सविता, जल्दी उठो, देखो शिका यहाँ नहीं है। हे भगवान, जल्दी आओ, अर्जुन जी बाहर आए हैं, आओ। बेटी। हमारी बेटी रूम में नहीं है सर, वो तो हमारे साथ ही सो रही थी। ओ, तो मेरा शक सही निकला। मिस्टर वेंकटेश चलिए मेरे साथ आइए। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? हे भगवान। सविता तुम दरवाजा बंद कर दो, ठीक है? शिखा को जल्दी घर वापस ले आइए। अरे तुम चिंता मत करो, अर्जुन जी है ना, हम उसे लेकर आ जाएंगे। सर ये क्या, सर गेट के सामने मैंने अपनी गाड़ी पार्क की थी, गाड़ी भी गायब होगी। सर बच्ची गायब है, गाड़ी गायब है। आप जल्दी से मेरे साथ चलिए और आप दरवाजा बंद करिए। सविता अपना ख्याल रखना। अपना लाइसेंस दिखाओ। अभी दिखाता हूँ सर। गाड़ी के पेपर्स। ए, ए, रुको, सब रुको, है सर, सब गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। ए! ये क्या, इसे पकड़ो। जी सर। इसमें तो ड्राइवर ही नहीं दिख रहा है। लगता है कुछ तो गड़बड़ हुई है। मेरा मन इस तरह चिंतित क्यों हो रहा है? ओम प्रचंडाय नमः। बाधा प्रचंडा।
सर सर मेरी बेटी नजर नहीं आ रही है सर, ये मेरी ही गाड़ी है सर। आओ यशवंत। सर। यशवंत इस गाड़ी को सर्च करके देखो कुछ सुराग मिलता है क्या। ओके सर। मुझे रिपोर्ट दो। ओके सर। आओ मेरे साथ। सर मेरी बेटी। आओ मेरे साथ। सर सर मेरी बेटी कहाँ होगी सर, बहुत डर लग रहा है सर, प्लीज कुछ कीजिए सर। स्वीकार कर लिया बालक, अब से मैं तुम्हारी अंतरात्मा में रहकर दिव्य दृष्टि के माध्यम से तुम्हें संसार की गतिविधियों के बारे में जानने की शक्ति प्रदान करूंगा। बस और एक अमावस्या, बस और एक अमावस्या, मैं वाम चक्रवर्ती बनूंगा, इस पूरे विश्व का चक्राधिपति बनूंगा। इस पूरे विश्व का चक्राधिपति बनूंगा। इस पूरे विश्व का चक्राधिपति बनूंगा। हे भगवान, मेरी बच्ची, ये क्या हो गया? हे भगवान, शिखा, ये क्या हो गया? क्या हो गया मेरी बच्ची? भगवान, ये क्या हो गया? देखिए ये क्या हो गया? हे भगवान, ये क्या हो गया? हे भगवान, बेटी बेटी, देखो सर, मेरी बेटी मर गई। सर मेरी बेटी मर गई। हमारी बेटी हमें छोड़कर चली गई, इसने किसी का क्या बिगाड़ा था? हौसला रखिए वेंकटेश, हौसला रखिए बहन, ये सब कैसे हुआ? सर, रात को आप दोनों के जाने के बाद मैं दरवाजा बंद करके आप लोगों का इंतजार करती रही। सुबह होते ही बाहर कुछ गिरने की आवाज आ गई। बाहर जाकर देखा तो यहाँ मेरी बच्ची की मुझे लाश मिली। सर कोई बाहर नहीं था, कोई बाहर नहीं था। हे भगवान, हमें अकेला छोड़कर चली गई हमारी बच्ची। वेंकटेश, आओ अंदर चलते हैं। आओ। मेरी बच्ची।
हे भगवान, तूने ऐसा क्यों किया? सॉरी वेंकटेश, अगर हम थोड़ा जल्द रिएक्ट करते हैं तो ये सब नहीं होता। अब सोचने से क्या फायदा सर, मेरी बेटी वापस जिंदा थोड़ी ना होगी सर। हौसला रखिए वेंकटेश, आपकी तकलीफ मैं समझ सकता हूं। कल रात को पुलिस स्टेशन में पिछले अमावस्या क्या सर, इस महीने में दो बच्चों की हत्या हुई है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं अभी आपको कुछ नहीं बता सकता। क्यों, आपके डिपार्टमेंट का नाम बदनाम होगा क्या इसलिए? आप हमारे बयान को खूनी के पकड़े जाने से पहले पब्लिक में लीक करते हो ना, इसलिए हम नहीं चाहते वो चौकन्ना हो। अगर आप चौकन्ने होते तो ये खून ही नहीं होते। बेकार की बातें मत कीजिए। किसी एक गुनहगार के पकड़े जाने से आप लोग बवाल खड़ा कर देते हो, उनसे संबंधित एक्टिविटीज को कम करके हमारा काम बिगाड़ देते हो। परफेक्टली करेक्ट, हमारे बवाल करने से कम उनकी एक्टिविटीज तो कम होती है, आप में तो ये भी काबिलियत नहीं। बकवास बंद करो। हमारे डिपार्टमेंट के किए हुए कारनामे बहुत सारे हैं, सिर्फ यहाँ नहीं दूसरे राज्यों में भी जाकर किए हुए बहुत सारे कारनामे हैं। हम कोई भी केस फॉरवर्ड नहीं कर पाते हैं, करने से पहले मंत्रियों के केस पेंडिंग है ये बोलकर आधे रास्ते में हमसे केस छीन लिया जाता है। ऐसे में हम करें तो क्या करें? आए बड़े काबिलियत की बात करने वाले, कुछ बड़े आला अधिकारी या नेताओं के बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के साथ ही कुछ पत्रकार पैसों के लालच में अपना जमीर बेच देते हैं। वो एक देश सेवक है, उसके किए हुए आंदोलन की फोटो, उसके फटे हुए कपड़ों की फोटो खिंचवा कर पेपर में छपा कर उसे एक महान व्यक्ति बताकर वरिष्ठ अधिकारियों का हम अपमान कर रहे हैं, ऐसा हम पर मानहानि का दावा थोप कर हमसे केस वापस छीन लिया जाता है। सारे रिपोर्टर्स बुरे हैं ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहता। अब आप जो रिपोर्ट इकट्ठा करते हैं उससे लोगों के दिल में डर पैदा हुआ है। किस लिए? खून खराबा लूटमार के अलावा आपको दूसरा टॉपिक नहीं मिलता है क्या? एंटरटेनमेंट, पर्सनालिटी, ऐसे बहुत सारे टॉपिक पड़े हैं। देखिए, इस खून के सूत्रधार को जब तक मैं पकड़ नहीं लेता कोई भी इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होने देना चाहता, और अगर आप लोगों ने कोई जोर जबरदस्ती की तो मुझे आप पर एक्शन लेना होगा। पहले आप खूनी गुनहगारों को पकड़िए, बेकार में हम प्रेस वालों पर रोब झाड़ना बंद कर दीजिए। नो मोर डिस्कशंस, ओके? वेंकटेश, मैं नीचे रहूंगा, आप आइए, इन्हें कुछ मत बताना। ठीक है सर। सर, आप ही कुछ बताइए। प्लीज हमें परेशान मत कीजिए, हमें अकेला छोड़ दीजिए। Hey, भगवान, ओ जी, आप भी ना, शादी हो गई, बच्चे भी हो गए, पर आप अभी तक नहीं बदले। शादी से पहले जैसी दिखती थी अब भी वैसी लगती हो। जाने भी दो ना, ये कोई वक्त है क्या? प्यार का मारा आखिर कैसे करे वक्त का इंतजार मेरी जान। छोड़िए ना, बच्चों के आने का वक्त हो गया है, मुझे अर्जेंट में एक और मुन्ना चाहिए। डैडी, डैडी। हाय पप्पी। मम्मी के साथ आप क्या कर रहे हो? कुछ नहीं बेटा, मम्मी की आंखों में कचरा गिर गया था, उसे निकाल रहा था। ठीक है, जल्दी से यूनिफॉर्म चेंज कर लो। मम्मी, बर्थडे पर मैंने अपने सारे फ्रेंड्स को बुलाया है, तुमने केक लाया है ना? तुम्हारे डैडी ने सब कुछ ला कर रख दिया है बेटा, चलो जल्दी से नहाकर कपड़े बदल लो, चलो जाओ बेटा। अरे छोड़िए ना, जब देखो तब। मुन्नी, देर हो रही है, केक काटो बेटा। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
मैं आई कम इन सर। गुड मॉर्निंग सर। आइए। नमस्ते सर। उस बच्ची के कत्ल से जुड़ी हुई फॉरेंसिक रिपोर्ट इस फाइल में है सर। कार के टायर पर मिले खून का ग्रुप और परसों एक्सीडेंट में मारे गए ट्रैफिक इंस्पेक्टर के खून का ग्रुप दोनों एक ही हैं सर। उस गाड़ी के नीचे आकर उस इंस्पेक्टर की मौत हुई है सर, ऐसा पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साबित होता है सर। ओह, इसका मतलब कार से कुचल कर मरा इंस्पेक्टर वो बच्ची नहीं। हाँ जी सर, परसों अमावस्या थी और अमावस्या के दिन रोड पर ऐसे एक्सीडेंट होना आम बात है सर, इसीलिए अधिकतर ड्राइवर अमावस्या के दिन कोई ना कोई बहाना बनाकर छुट्टी मारते हैं सर। अरे रे रे रे, क्या मिस्टर यशवंत, बींग एन एजुकेटेड आप भी ऐसे अंधविश्वास पर यकीन करते हैं? तो क्या सर, आज भी जब बच्चे को कोई पीड़ा होती है, नजर लगती है, तो सभी बाबा के पास जाकर मंत्र तंत्र का ताबीज बंधवा कर आते हैं, वो क्या पागल है सर? ओके, लेट्स गिव अ ट्राई। आप अपने किसी पहचान के पंडित को बुलाइए। पंडित जी, इस तंत्र मंत्र में मुझे तो विश्वास नहीं है, लेकिन इन बच्चों के खून के केस में आपसे राय लेने से शायद हमारी इन्वेस्टिगेशन में हेल्प हो सकती है। देखिए सर, हम जो ताबीज बांधते हैं उनके तंत्र मंत्र के पीछे एक वैज्ञानिक कारण है। उदाहरण के लिए, मानिए बच्चों को सर्दी बुखार होता है, ये बीपी में फर्क आने से होता है। हम पंचलोक की ताबीज जो बांधते हैं वो बीमारी को कंट्रोल करती है, और इसे ना जानने वाले लोग अंधविश्वास अंधविश्वास कहते रहते हैं। इस ताबीज के बारे में आपकी क्या राय है? सर, इस ताबीज को देखने से कोई वशीकरण प्रयोग के लिए उपयोग करने जैसी ताबीज लग रही है। बच्चों के शरीर पर हल्दी का कपड़ा था, मतलब उन बच्चों का खून अमावस्या की रात को हुआ है, और ये सब कोई दुष्ट शक्ति को प्राप्त करने के लिए ये सारे प्रयत्न कर रहा है, ऐसा मेरा अभिप्राय है। कुछ तांत्रिक लोग मुझे ये शक्ति पानी है, मुझे वो शक्ति पानी है कहकर क्षुद्र देवताओं को बच्चों की बलि चढ़ाते हैं। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है, और इसे आपने पेपर में कहानियों में पढ़ा होगा, किंतु ये सब करने से कोई लाभ नहीं होता, ऐसा मेरा मानना है। अरे ओ मेरे रानी, अरे जल्दी बांटना, जल्दी जल्दी डाल। अरे पुलिस, पुलिस, ये पुलिस की गाड़ी यहाँ क्या कर रही है? चल जल्दी कर, जल्दी कर, भाग, जल्दी चलो। Oh, yeah.
नहीं मत मारो साहब, मत मारो, हमसे गलती हो गई साहब। छोड़ साहब, माफ कर दो। ए, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं साहब, सिर्फ पत्ते खेल रहे थे हम। बोर हो रहे थे, इसीलिए पत्ते खेल रहे थे साहब। कोई और जगह नहीं मिली क्या तुम लोग को? गलती नहीं होगी सर, माफ कर दीजिए। चलो जाओ, जाओ यहाँ से। चलो प्रचंडा, दो कन्याओं के रक्त अभिषेक के बाद मुझे दिव्य दृष्टि शक्ति के साथ और एक कन्या की सूचना दोगे, कहा था ना? बालक, यह अंतिम पूजा बहुत ही मुख्य है। अब मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि की शक्ति प्रदान करूंगा। अब जो तुम कन्या देखोगे वो देवांश संभूतनीय है। इस पूजा को भव्य रूप से सफल करने से तुम्हें वाम चक्रवर्ती की पदवी प्राप्त होगी। अगली अमावस्या की रात जिस कन्या की तुम्हें बलि चढ़ानी है वो ये है। उसकी बलि चढ़ा करके उसे जिंदा करने वाला था, इतने में तुमने मेरी तपस्या भंग कर दी। दुष्ट, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। उसकी बलि चढ़ा कर इतने में तुमने मेरी तपस्या भंग कर दी। दुष्ट, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा, मैं अपना बदला लेकर रहूंगा, नहीं छोड़ूंगा। उस दिन तीन मंत्र बोलते ही समाप्त होने वाली पूजा को भंग किया ना, अब मेरी अंतिम पूजा के बड़े माध्यम से मेरे शत्रुओं को मिटाने का समय आ गया है। मैं भाग्यशाली हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ। प्रचंडा, धन्य हो आप। शामू, हाँ? बच्चे सब घर के आंगन में ही खेल रहे हैं, देखो। गुरुजी ने जो कहा था वो लड़की यही है ना? हाँ, यही है वो। जल्दी से उसे ताबीज बांधकर निकल लेते हैं। हाँ, चलो 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 चलो। एक दो तीन। हाँ श्याम। बोलो राम। ताबीज मेरे हाथ में है। हाँ। तुम जाकर उस लड़की को ले आओ, मैं ताबीज बांधूंगा। मैंने तुमसे क्या कहा? तुमने कहा उस लड़की को ले आ, मैं ताबीज बांधूंगा, मैं ताबीज बांधूंगा, तू उसे लेकर आ। हाँ, साला कायर कहीं का। क्या कहा? कैसे? अरे ज्यादा सोचो मत, चलो, हमारे हाथ बहुत कांप रहे हैं। आराम से आराम से। हाँ, जल्दी 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 बांधो। नंदिनी नंदिनी, वहाँ देखो, सीमा को कोई दो चोर पकड़ कर ले जा रहे हैं। हाँ, पकड़ लिया, जल्दी बांध बांध, जल्दी बांध। चलो उस पे अटैक करते हैं। छोड़ दो, बीच में से हटो। कम ऑन अटैक। अरे क्या कर, अरे बाप रे, अरे भागो भागो भागो, अरे अरे भागो, अरे बाप रे। अरे बचा बचा। अरे भाग रे। अरे चल यहाँ से भाग। अरे ताबीज तो बांधा नहीं, ताबीज ताबीज। भागो। अरे भाग 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 भाग।
चोर दम दबाकर भाग गए। चलो फिर से खेल शुरू करते हैं। चलो। हाँ कितना अच्छा है ना। मैं इसे पहन लेती हूँ। ये तावीज आपकी बेटी के गले में? कोई दो चोर मुझे उठाकर ले जाने आए थे, तब हम सब बच्चों ने उन्हें खूब मारा और वो वहाँ से भाग गए। तब मुझे ये गार्डन में मिला और मैंने इसे पहन लिया। मिस्टर अनिल, पहले जिन बच्चों का खून हुआ उनके बाजू पर ऐसा ही तावीज था। What do you mean? I exactly mean what I say. मतलब पहले जिस खूनी ने उन दो बच्चों का खून किया है, अब वो आपकी बेटी को मारना चाहता है। किस लिए? अमावस्या के 3 दिन पहले ये घटना हुई है, मतलब इस अमावस्या की रात आपकी बेटी की बलि चढ़ाना ही उसका उद्देश्य है। क्या बलि चढ़ाएंगे? चंद्रिका बी कूल यार। क्या सर, एक पुलिस ऑफिसर होने के बावजूद भी अमावस्या, बलि चढ़ाना, ऐसी बेकार की बातें कर रहे हैं। लिसन, मैं बेकार की बात नहीं कर रहा, सच्चाई बता रहा हूँ आपको। कहाँ की सच्चाई? अपराधियों को आप पकड़ नहीं पा रहे, इसलिए अमावस्या, बलि की बातें करके सफाई दे रहे हैं। वेरी गुड। हमारे डिपार्टमेंट की इज्जत बचाने के लिए मैं आपको ये सब नहीं कह रहा हूँ। आने वाली मुसीबत से बचाने के लिए मैं आपको आगाह कर रहा हूँ। देखिए मिस्टर, अगर आप पुलिस डिपार्टमेंट में भर्ती होने के बजाय अगर कोई ज्योतिषी की दुकान खोल लेते तो आपका धंधा पानी बहुत अच्छा चलता। डोंट टॉक नॉनसेंस। आप अपनी बेटी की कंप्लेन लिखवाकर घर में बैठ जाएंगे, लेकिन हमें हर जगह लोगों की सेफ्टी के लिए दिमाग दौड़ाना पड़ता है। ये ना ही कोई नई खबर है और ना ही कोई फ्लैश न्यूज है। इस तरह की घटनाएं हमारे देश में होती आ रही है, ये आप लोग भी जानते हो। हमारा महाग्रंथ महाभारत आपने पढ़ा ही होगा। अत्यंत बलशाली भीम का घटोत्कच नाम का एक बेटा था। बहुत से लोग ये बात जानते भी नहीं है। कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले उसकी बलि देनी होगी कहकर कृष्ण के सानिध्य में हवन करके भीम को पता चले बिना ही उसकी बलि चढ़ाई उन्होंने। ठीक कहा सर, मेरी शादी होने से पहले की बात है। वसंत नाम का शख्स मेरे गांव में रहता था, उसने मेरे जीजाजी की बहन की बलि चढ़ाई थी। उसके बाजू में भी ऐसी ही तावीज बंधी थी। ये सारी बात मुझे चंद्रिका ने बताई और मैंने पुलिस को इन्फॉर्म करके उसे अरेस्ट करवाया। इज दैट सो? कौन सा पुलिस स्टेशन? रामपुर पुलिस स्टेशन। ऑपरेटर, रामपुर पुलिस स्टेशन से लाइन कनेक्ट करो। ओके सर। इसके मिलने से हमारे इन्वेस्टिगेशन में मदद मिलेगी। हेलो, एसीपी अर्जुन हियर। कोई काम था सर? हाँ, एक जरूरी काम था। जी बोलिए सर। हाँ, वहाँ वसंत शिरोटे नाम का शख्स कुछ 10 साल पहले मर्डर केस में अरेस्ट हुआ था, उसके बारे में कुछ डिटेल चाहिए थी मुझे। वो तो सेंट्रल जेल में सर। ओ, ट्रांसफर हुआ है क्या? जी सर। हाँ, क्या सजा मिली थी? लाइफ सेंटेंस की सजा मिली थी। लाइफ सेंटेंस? जी हाँ सर। अच्छा, हाँ हाँ। उसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं आपको खबर करता हूँ सर। ओके ओके, थैंक यू इंस्पेक्टर, थैंक यू, बाय। मिस्टर अनिल, आपकी बात सही है, उसे उम्र कैद की सजा पर सेंट्रल जेल भेजा गया है। कल मैं वहां जाकर पूछताछ करके आऊंगा। एक रिक्वेस्ट है। यस सर। इसके गले से ताबीज निकाल कर बाजू पर बांधिए। ओके सर। और आप दोनों इसे अकेला छोड़कर कहीं मत जाइएगा। ठीक है सर, अब हम चलते हैं सर। चलते हैं सर। ओके बाय। चलो बेटा। ठीक है। ओम प्रचंडाय नमः। 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 ओम क्रीम क्लीम। ओम क्रीम क्लीम। आपने मुझे बुलाया गुरुजी? मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। जितना चाहेंगे उतना दूंगा गुरुजी। वैसे भी
आज तक आपने पैसे कभी मांगे ही नहीं। मैंने आने वाले अमावस्या के दिन एक बहुत बड़ा हवन रखा है और हवन के पूर्ण होते ही मुझे वाम चक्रवर्ती की पदवी प्राप्त होगी, इसलिए। ठीक है गुरुजी, आपको जितनी शक्ति प्राप्त होगी मुझे पदवी मिलती रहेगी। बस 10 मिनट में आपके पास पैसे पहुंच जाएंगे। गुरुजी, मुख्यमंत्री की पदवी अमावस्या के बाद बताया था ना? हाँ ठीक है गुरुजी, प्रचंडा की कृपा होगी। मिस्टर अनिल। यस सर। आपकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक मैं सेंट्रल जेल जाकर आया। हाँ। वहाँ से पता चला कि वसंत शिरोटे 2.5 साल पहले ही रिहा हो गया। उस दिन से आज तक 2 अमावस्या के दिन 2 बच्चों की मौत हुई। अब 3री अमावस्या के लिए उन्हें आपकी बेटी का इंतजार है। ये फोटो देखिए। यही है सर वो रास्कल। आपके गांव में कोई दोस्त है जिसके पास फोन है? मेरी बहन के घर में ही फोन है सर। अच्छा। हाँ। तो फिर उन्हें फोन लगाकर ये आदमी फिर से गांव में आया है या नहीं, वहाँ पूजा तंत्र मंत्र ऐसा कुछ हो रहा है क्या, जरा पूछिए। हेलो दीदी, मैं अनिल बोल रहा हूँ। ओ कैसे हो अनिल, सब ठीक है ना? तुम कल फोन करोगे कह रहे थे ना? दीदी वो हमारे गांव में जो वसंत नाम का जो तंत्र मंत्र का काम किया करता था वो गांव में वापस आ गया है क्या? नहीं तो, जिस दिन तुमने उसे पुलिस के हाथों पकड़वाया उस दिन से वो कभी इस गांव में नजर ही नहीं आया। अच्छा ठीक है, मैं कल फोन करूंगा। ओके ठीक है। सर जेल से रिहा होने के बाद वो गांव नहीं गया सर। यशवंत सर, कल मिस्टर अनिल के साथ वेंकटेश को भी बुलाइए। यस सर। और साथ में फोटोशॉप एक्सपर्ट को भी बुलाइए। ओके सर। अच्छा तो मैं चलता हूँ। बाय बाय सर। सुनिए, आपको एसीपी अर्जुन ने बुलाया था ना, क्या काम था? हाँ वही, आजकल बच्चों की हत्या जो हो रही है उसी के बारे में बात करने के लिए। कुछ पता चला क्या? वही, हमारे गांव में जो वसंत नाम का तांत्रिक रहता था ना वो सेंट्रल जेल से छूट गया है, और आजकल जो बच्चों की हत्या हो रही है ना उसके पीछे भी उसी का हाथ है, ऐसा एसीपी अर्जुन का कहना है। तो अब वो कहाँ है? वो कहाँ है, क्या कर रहा है, किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन उसे पुलिस ढूंढ रही है। देखो अपने बच्चे के प्रति होशियार रहना होगा, समझी ना? मिस्टर वेंकटेश, हाल ही में कत्ल हुए बच्चों से संबंधित मिली हुई इन्फॉर्मेशन के जरिए कंप्यूटर एक्सपर्ट ने एक शख्स का फोटो तैयार किया। आपके घर में बाबा के भेष में आकर आपकी बेटी को तावीज बांधकर जो गया उसकी शक्ल याद है ना? हाँ याद है सर। ये देखिए सर, 100% यही है सर। उस दिन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के पास आपकी बेटी मेरी गाड़ी के सामने आ गई थी, और तब वहां एक ज्योतिष बैठा था, उसका चेहरा ऑलमोस्ट ऐसा ही था ना? सर एग्जैक्टली करेक्ट सर, यही है। ये वसंत शिरोटे किस किस भेस में घूम सकता है ऐसे एक अंदाजे से हमारे डिपार्टमेंट ने कुछ स्केचेस बनाकर ये सारे फोटोज तैयार किए हैं, ये आपके पास रखिए। इस तरह का शख्स अगर आपके घर के आसपास कहीं भी नजर आए तो तुरंत हमें खबर कीजिए। ओके सर। अब मैं चलता हूँ। ओके थैंक यू सर। मैं भी चलता हूँ। इन फोटोज के और प्रिंट निकाल कर हमारे डिपार्टमेंट में बांटिए, ऐसा आदमी कहीं भी नजर आए तो अरेस्ट करने के लिए कहिए। ओके सर।
प्रचंडाय नमः। हे पापनी, तू मेरी पूजा भंग करना चाहती है, मैं तेरे वंश का नाश कर दूंगा। जय प्रचंडा। मुन्नी जल्दी आओ, नाश्ता ठंडा हो रहा है। आई दादी। गुड मॉर्निंग दादी। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग। जय प्रचंडा। माई माई डैडी, बाहर कोई भिखारी आया है, ये इडली मैं उसे देकर आऊं डैडी। एक मिनट रुको, इसे थाली में डालकर देता हूँ, जाकर उसे दे आना। ओके, कुछ खाने के लिए दे दो। ये लो बेटा, जल्दी आना। हाँ डैडी। माँ, ये क्या? सुनो बेटा, ए बेटा, ए कहाँ जा रही हो? अंकल, अंकल, वो वहाँ। कोई भी तो नहीं है वहाँ। चलो। कॉफी लेकर आना। हाँ साहब। डैडी, डैडी, अंकल आए हैं। ओह हेलो सर, आइए बैठिए। नमस्ते सर। नमस्ते, थैंक यू। ये क्या बेटा, तुमने भिखारी को नहीं दिया? डैडी वो ऐसे ही चला गया। ओह सर, नाश्ता कीजिए ना। अरे नहीं, थैंक यू, थैंक यू। मिस्टर अनिल सर, कल अमावस्या है। हाँ, हमें स्पेशली बच्ची के बारे में खबरदार रहना होगा, यही बताने में यहाँ आया हूँ। मैं आपसे विनती करती हूँ सर, सब कुछ जानते हुए भी मैं अपनी बच्ची को मुसीबत में नहीं डालना चाहती हूँ सर। ऐसा कुछ नहीं होगा चंद्रिका, मैं इस चीज के लिए राजी नहीं हूँ। प्लीज हमें समझने की कोशिश कीजिए। एक्सपेरिमेंट करने के लिए मेरी बेटी कोई जानवर या खिलौना नहीं है, वो मेरे जिगर का टुकड़ा है सर। जी मैं समझता हूँ, पर आपके साथ हमारा पूरा डिपार्टमेंट है। मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। चंद्रिका कूल डाउन यार,
देखिए आप जल्दी से ये घर बेच दीजिए, हम यहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं। अगर आप कोऑपरेट करेंगे तो आपकी बेटी के जरिए हमारे डिपार्टमेंट को मदद मिलेगी। मतलब आगे खाई है ये जानते हुए भी कूद जाने के लिए कह रहे हैं आप? जहर है ये जानते हुए भी पीकर मर जाने के लिए कह रहे हो? अच्छा सुझाव है सर आपका। ऐसी बात नहीं है मैडम, हमारा पूरा डिपार्टमेंट आपके साथ होगा, मेरा यकीन कीजिए। हमें किसी के साथ की या यकीन की जरूरत नहीं है। अमावस्या के दिन मैं और मेरा स्टाफ आपके घर के चारों तरफ रहेंगे। आखिर बच्चा उस तांत्रिक तक कैसे पहुंचता है यही हमें जानना है। हम आपको पूरी सिक्योरिटी देंगे, बस हमें कॉपरेट कीजिए प्लीज। प्रचंडा, बात करो। हाँ? बात करो, बात करो ना। बात नहीं करोगे क्या? अगर बात नहीं करोगे तो तेरी इस खोपड़ी को तोड़ दूंगा। हे राम। बोलो श्याम। ये खोपड़ी के साथ क्या कर रहा है तू? मैं इस खोपड़ी से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये खोपड़ी क्या बात कर सकती है? हाँ। किसी और को जाकर उल्लू बनाना है। तू क्या जानता है, 10 साल पहले गड़े मुर्दे उखाड़ कर मैं उनमें जान डालता था। मुर्दे में जान डालते थे? मतलब अपने गुरुजी जान डालते थे और मैं उन्हें मुर्दे लाकर दिया करता था। तो ऐसा बोलो ना। हाँ, है, मैं उनका कितना बड़ा चेला हूँ पता है? तुम ये मत भूलो कि तुम जेल में उनके पैर दबाया करते थे, इसलिए उन्होंने तुम्हें इसी काम के लिए यहाँ पर लाकर रखा है। तू मेरे साथ जबान लड़ाता है? देख इस खोपड़ी को मैं लड़की बनाता हूँ। इस खोपड़ी को खंबे के पास रख। खोपड़ी को लड़की बनाओगे? रख वहां पर। रखू क्या? हम जय प्रचंडा, मेरी इलाज रखो वहां पिता। ए, खोपड़ी को लड़की बनाता हूँ बोलकर मुझ पर मंत्र मारता है, समझ के रखा तूने? बोल दूंगा तेरा। मुझे छोड़ दे, छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, छोड़ दे मुझे। आज मैं तुझे नहीं छोडूंगा, छोड़ दे मुझे। रुक जा। अरे दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। खोलता क्यों नहीं है? जय प्रचंडा। प्रचंडा, मेरी गणित में गड़बड़। हाँ, तुम्हारे गणित में गड़बड़ी हो रही है। आश्रम के बाहर घूमते हुए एक व्यक्ति के कारण तुम्हारी पूजा भंग हो रही है। प्रचंडावाहयामी।
यशवंत बोल रहा हूँ सर। सर वसंत शिराटे का पता मिल गया सर। सर वो शांतिवन आश्रम में रहता है सर। आज मैं उसकी रिसर्च कर रहा था सर। उसके बाद सर 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 यशवंत 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 चिरोटे। आइए आइए एसीपी साहब, आखिर इस बसंत चिरोटे के चौखट पर कदम रख ही दिया, लेकिन ये तो मौत का भंवर है, तुम भूल गए क्या? हाँ, तुम बिल्कुल सच कह रहे हो, खुद के लिए खुद ही बनाया हुआ मौत का भवंडर है ये। पूरे विश्व को जीतने की ऐसी हसरत लिए काम ना आने वाले ऐसे व्यर्थ के प्रयत्न करके तू कायरों की जिंदगी जी रहा है। ए एसीपी, मुझे कायर कह रहा है? आज की पूजा पूर्ण होते ही मुझे वाम चक्रवर्ती की पदवी प्राप्त होगी। पूरे विश्व का मैं चक्राधिपति बन जाऊंगा, पूरे विश्व का। हर एक मनुष्य को जिंदगी वो भगवान देता है, उस जिंदगी को मिटाने का हक किसी को नहीं है। पूजा के नाम से यहाँ मासूम बच्चों की बलि चढ़ाते हो ना, तू चक्रवर्ती बनेगा।
मेहनत मजदूरी करके पैसा कमाने के बजाय इस तरह पूजा करवा कर लोगों को बेवकूफ बनाकर बड़ा आदमी बनने चले हो? मर्द बनने का शौक है तो असली जिंदगी का सामना करो, बजाय इसके बाबाओं के जैसे भेष बदल कर लोगों को धोखा देकर पाखंडियों की तरह जिंदगी जी रहे हो। बेकार के तंत्र मंत्र बोलकर लोगों में अंधविश्वास पैदा करके उन्हें डर के साथ जीने में मजबूर करते हो ना। बच्चों को मानसिकता से निर्दयता से तड़पा तड़पा कर मारते हो ना। वो दर्द कैसा होता है तुम जानते हो क्या? जब तेरे शरीर से खून निकलेगा तभी तुझे उस दर्द का एहसास होगा। मैं तुझे उस दर्द का एहसास दिलाऊंगा। ओम प्रचंडावाहयामि। ओम आकर्षणाय स्वाहा। सुनिए क्या एसीपी अर्जुन आपके स्टाफ के साथ आने वाले थे ऐसा कह रहे थे ना, अभी तक वो आए क्यों नहीं? लाओ मुझे फोन दो। हेलो हेलो पुलिस स्टेशन। हाँ सर। वहाँ एसीपी अर्जुन है क्या? वो अभी तक आए नहीं सर। वो कहाँ मिलेंगे? पता नहीं, वो दोपहर गए, अभी तक नहीं आए। ओह कहाँ गए होंगे वो, पुलिस स्टेशन में भी वो नहीं है, मोबाइल भी ऑफ करके रखा है। छे क्या हुआ जी? उनसे कांटेक्ट नहीं हो रहा। ये लो। प्रचंडाय नमः। मेरी बात सुन, अपनी पूजा को रोक दे। ओम प्रचंडावाहयामि। अपनी पूजा को रोक दे। ओम प्रचंडावाहयामि। स्वाहा।
ओम आकर्षणाय स्वाहा, ओम प्रचंडाय स्वाहा। हे मुन्नी वहां मत जाओ, सुनो। ओम आकर्षणाय स्वाहा। ए, 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 मुन्नी मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, वहां मत जाओ। ओम प्रचंडाय स्वाहा। ए मुन्नी, मुन्नी यहां देखो, यहां देखो, यहां मेरी तरफ देखो। ए मुन्नी, मुन्नी बच्चे को छोड़ कमीने। ए, ए, मुन्नी वहां मत बैठो, मत बैठो, मुन्नी वहां मत बैठो। सुनो, सुनो बेटा मेरी बात सुनो। ओम प्रचंडाय स्वाहा। ए ओम प्रचंडाय स्वाहा, ओम प्रचंडाय स्वाहा। मासूम बच्चे की जान लेता है कमीने, तू इंसान नहीं है। ए, सुन, सुन, तू नहीं बचेगा, मेरी बात मान ले। इसे यहीं रोक दिया तो ठीक है, वरना वरना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हे बेटा, बेटा उठ वहाँ से, उठ जा बेटा, 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 अंकल बुला रहे हैं, अंकल। ओम 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 मंत्र शक्ति को क्या हुआ? ये क्या हो रहा? प्रचंडा, प्रचंडा, प्रचंडा! Oh, 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 oh,
मेरी बच्ची, तुम ठीक तो हो बेटा? मम्मी। सीमा। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। अंकल। भक्ति हमेशा श्रद्धा से ही करनी चाहिए। डर के मारे भक्ति करने से इसी तरह नाश होता है।